अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नुक्ता एतराज़, मैं हूँ यशवीन जमाल। नाज़रीन, कल के दिन जब हम प्रोग्राम यहाँ पे कर रहे थे तो बात हो रही थी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और हुकूमत के दरमियान जो मुज़ाकराती अमल था उसके हवाले से। यहाँ पर हमने बात की कि किस तरीके से खैर सगाली के पैगाम एक्सचेंज किए गए और कुछ लग रहा था कि शायद मुज़ाकरात में से कोई बात आगे बढ़ सकती है, लेकिन इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के चेयरमैन की ज़ेरे सदारत एक मीटिंग जारी है वहाँ पर, और ज़राए के मुताबिक यही बताया जा रहा है कि मुज़ाकरात क्या जारी रखने हैं कि नहीं, और अगला लाहे अमल क्या होगा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का, उस मीटिंग के अंदर यही डिस्कशन हो रही है। क्योंकि कल रात जो मरकजी सदर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के परवेज इलाही साहब, उनके घर पर जो है वो एक पुलिस ऑपरेशन हुआ, उसके मनाजर आप लोगों ने अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देखे, उसको लेके बहुत सारे ओपिनियंस और बहुत सारा मिक्स्ड पॉइंट ऑफ व्यू जो है सामने आ रहा है, उस पर भी बात करेंगे। क्या है मुस्तकबिल, क्या होगा मुज़ाकरात का, थोड़ा सा उस पर भी बात करने की कोशिश करेंगे। अगर खबर आ गई ड्यूरिंग आर प्रोग्राम तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। एट द सेम टाइम बात करेंगे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है जनरल आसिम मुनीर, उन्होंने आज काकुल में बात की है, और जहां पर उन्होंने बहुत सारे और मामलात पर और जो फौज की अपनी एक प्रोफेशनल कैपेसिटी होती है, तैयारी होती है और जिम्मेदारी होती है, उसको लेकर बात की। वहीं पर उन्होंने फिर से एक दफा इस खच्चे को रीइटरेट किया कि पाकिस्तान का जो ये अहम इदारा है, उन्होंने कहा कि उसको अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन का सामना है, और जो दुश्मनी है उसको उन्होंने इस तरीके से आइडेंटिफाई किया कि अवाम में और फौज इनके दरमियान में खलीज पैदा करने की कोशिश की जा रही है। बार बार इदारे को आगे आकर ये पॉइंट क्यों उठाना पड़ रहा है, थोड़ा सा इस पर भी बात करेंगे। एट द सेम टाइम हमने बहुत सारी ऑडियो लीक्स डिस्कस की अपने प्रोग्राम्स में, आज एक और ऑडियो लीक का चर्चा है जो कि साबिक चीफ जस्टिस के साहबजादे की ऑडियो लीक है, उस पर भी बात करेंगे। जो मेहमान शख्सियात है तारुफ करवा के हम गुफ्तगू का आगाज करते हैं। जमीयत उलमा इस्लाम से सेंटर कामरान मुर्तजा ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया सर आपका आपके वक्त के लिए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सैयद यावर अब्बास बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सर बहुत शुक्रिया आपका भी आपके वक्त के लिए। मैं कामरान मुर्तजा साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज कर लूँ सर, कि थोड़ा सा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी मौकफ शायद कुछ देर में आ जाएगा ऑफिशियल वर्जन, जो उनकी मीटिंग में भी डिस्कस होगा। कल रात को जो कुछ लाहौर में हुआ उसके बाद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि हुकूमत अगर मुज़ाकरात के लिए संजीदा होती तो इस तरह से गिरफ्तारियां और ये जो कुछ हो रहा है ये अमल फिर जारी ना रहता। हुकूमत का इसके ऊपर अभी तक उस तरह का कोई वर्जन नहीं आया, जबकि बहुत से तजियाकारों की राय यह है कि पंजाब में होने वाले इंसिडेंट को मरकज में जो हुकूमत है उसके साथ जोड़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इशू बना रही है ये अनफेयर है, आपकी राय क्या है सर इस पर? देखिए, मैं नहीं समझता कि इस तरह से मरकज़ में कोई बेवकूफ़ी की जाती कि एक शख्स की बेल हुई है और बेल होने के बाद जो है उसके घर पे घंटों के हिसाब से ऐसा ऑपरेशन किया जाता जिसका कोई नफ़ा जो है ना वो बज़ाहिर नज़र नहीं आता। मैं जो पहले इमरान खान साहब के घर पे हुआ मुझे उसका भी मकसद कभी भी समझ में नहीं आया, और ये जो कल चौधरी साहब के घर पर हुआ है इसका भी मकसद मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया। या तो मेरी अकल इतनी नहीं है या फिर मेरा ख्याल है जिन लोगों ने ये ऑपरेशन दोनों जगह पे किए हैं उनकी अकल इतनी नहीं है। और अगर इस तरह से अगर किसी के साथ किसी के ऊपर फ़र्ज कर लीजिए, अगर मैं गवर्नमेंट हूँ या मैं गवर्नमेंट का इतादी ज़रूर हूँ, एक उनका सेनेटर ज़रूर हूँ, मगर अगर गवर्नमेंट में किसी ऐसी जो है ना जिम्मेदार जगह पर होता तो हाथ अगर डालना होता तो मजबूत डालते हैं जिसके लिए कोई एविडेंस मौजूद हो, और स्पेशली जो हाथ डालना होता है वो करप्शन के केसों में डाला जाता है जिसकी दुनिया भर में एक्सेप्टेबिलिटी होती है। आप करप्शन के केसेस में ये कह सकते हैं, फ़र्ज़ करिए मेरे बारे में कह लें, बुखारी साहब के खुदा न खास्ता उनके बारे में कह लें, किसी और इस तरह की किसी और जो ऑफिस होल्डर है उसके बारे में कह लें, अगर करप्शन का एलिगेशन होगा तो देन जो है ना दुनिया वाले किसी और तरह से सोचते हैं, इवन पाकिस्तान में लोग और तरह से सोचते हैं। और अगर मुझे फ़र्ज़ करिए कि आप कहें कि जी मैं मुल्क का खुदा न खास्ता गद्दार हूँ, दहशतगर्द हूँ, लोग नहीं मानेंगे, लोग बोलेंगे इसकी शक्ल नहीं है ना गद्दारी वाली ना दहशतगर्दी वाली, तो ये इस तरह की हरकतें जो है गवर्नमेंट को बदनाम करती हैं। जो भी जो है इस तरह की वो इस तरह के मामलों के पीछे है जो चौधरी साहब के घर पर हुआ गलत हुआ है उसके पीछे मैं बिल्कुल जो है ना इसको वो कह रहे हैं कि जी बेल हुई हुई है। अव्वल तो चौधरी साहब को भी जो है फ़र्ज़ करिए कि उनको कोई गिरफ्तार करने आया था, वो कहते चलो थाने कि अभी इतनी देर में बेल आर्डर हो जाएगा, या अगर इवन बेल आर्डर हुआ हुआ है तो वकील साहब जो है ना उसको सर्टिफाई कर सकते हैं, वो लिख के दे सकते हैं कि बेल हुई है, तो हमने बेल ऑर्डर मांगा उनसे लेकिन अंदर से हम पर पथराव किया गया। बल्कि आज तो वो जो उनके चीफ हैं एंटी करप्शन के, उन्होंने आकर ये भी कहा जी कि अंदर से पेट्रोल बम फेंका गया, बुरे तरीके से रिजिस्ट किया गया, तो फिर उसके बाद जवाबी कार्रवाई करना पड़ी। देखिए, बात तो हम भी देख रहे थे टीवी को, पानी तो फेंका गया, पानी का तो मैं विटनेस हूँ, ठीक है जी, कैमरे ने पानी तो दिखाया, पत्थर वैसे कोई नहीं दिखाया, और चलें ठीक है पथराव भी हुआ, पेट्रोल पंप भी मैं पेट्रोल पंप मैं नहीं मानता, मगर चलें मान लिया पेट्रोल पंप भी
बात यह है कि एक शख्स कल तक चीफ मिनिस्टर है और आप उसके घर पे आके इस तरह से बेइज्जती करते हो। अगर वो कहते हैं कि बेल हुई हुई है, उसका पासपोर्ट ले लें, उसको कहें कि चौधरी साहब, उसको मैसेज कर दें चौधरी साहब अपना पासपोर्ट दे दीजिए, आप जा नहीं सकते। आप कह रहे हैं कि बेल आर्डर आपके पास है इस, या बेल आर्डर हो गया आपके पास इस वक्त नहीं है, आपका वकील जो एक सर्टिफिकेट दे दे, कल तक अगर आप ले आएंगे तो ठीक है, वरना जो ना हम आपको आके अरेस्ट कर लेंगे, बात ख़त्म हो गई। आप क्यों इस तरह की मुश्किलात पैदा करते हैं, आप क्यों ऐसी चीज़ें जो ना वो लाते हैं सामने कि जिसके नतीजे में हुकूमत बदनाम होती है, ख़राब होती है। ये इनको जो भी लोग हैं वो क्या हुकूमत को बदनाम करने के लिए बैठे हैं, खराब करने के लिए? इवन अगर वो केयर टेकर सेटअप है तो भी उसकी भी कोई इज्जत नहीं हुई है सारे मामले में। बिल्कुल ठीक है, मुझे वैसे भी एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं प्रोग्राम में और ब्रेक से वापस आएंगे तो इसी इशू पर यावर बुखारी साहब से भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन। सर, मैंने आपके लिए सवाल छोड़ा था आपकी गैर मौजूदगी में जो गुफ्तगू कामरान मुर्तज़ा साहब ने की, सीनियर रिप्रेजेंटेटिव हैं हुकूमत के, उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कंडेम किया जो कुछ हुआ कल रात को परवेज इलाही साहब पे। सवाल मैं आपसे यही करना चाह रही हूँ जो बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं इस वक्त के पंजाब में होने वाला एक इंसिडेंट, उसको बुनियाद बनाकर मरकज में जो हुकूमत है उसके साथ जो मुजाकरात हो रहे थे उनके ऊपर शकूक व शुबहात रेस करना और ये इंडिकेट करना कि शायद वो खत्म हो सकते हैं, वो सिलसिला हम रोक सकते हैं। सर, इज इट फेयर? क्योंकि बहुत मुश्किल से ये दो फरीकैन आप लोग जो है वो मेज पर आकर बैठे थे, तो आपको नहीं लगता कि कंटिन्यू होना चाहिए था? क्योंकि अभी तक विफाकी हुकूमत से किसी ने भी उस जो कुछ हुआ कल रात को उसको इंडोर्स नहीं किया। सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिल फरजहुम। इस सारे इंसिडेंट में मैं कामरान मुर्तजा भाई की बात नहीं करूंगा, ये एक ये वन ऑफ द काइंड है, ये वो लोग हैं कि जो नापायद होना शुरू हो गए हैं। काश ऐसे लीडरान भी होते तो ये बात यहां तक ना पहुंची जो रात को पहुंची। रात को जो काम हुआ है इसके अंदर क्लियर कट फेडरल गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट है। मोहसिन नकवी कोई ऐसा बंदा नहीं है कि जिसकी मेरे साथ या किसी और के साथ दुश्मनी है, उसके हर किसी के साथ ताल्लुकात हैं, उसकी बिरादरी है, मेरी बिरादरी का बंदा है, आई नो हिम, वो ऐसा बंदा नहीं है। कामरान मुर्तजा साहब, सर ये जो वर्जन आता है पीटीआई का, अभी अगर वो रहते मौजूद मेरे साथ तो मैं उनसे भी सवाल पूछती, आपको नहीं लगता सर ये भी थोड़ी सी ज्यादती के अंदर शामिल होता है कि बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी चीज के जो वजीर आजम है या दो चार इंपॉर्टेंट और लोग हैं उनका नाम ले देना कि ये बराह रास्त के सारा कुछ करवा रहे? मैं बार बार सिर्फ ये बात कर रही हूँ कि जो कुछ कल हुआ उसको कोई भी इंडोर्स नहीं कर रहा, मेरे समेत आपने भी नहीं किया। सवाल पूछने का मकसद ये है कि खाली एक चीज को कयास राय की बुनियाद पर, क्योंकि वो इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि उनका किसी के साथ ताल्लुक है, उसको बुनियाद बनाकर एक तो मुज़ाकराती अमल को भी सबोटाज करना और फिर लोगों पर इल्जाम तराशी भी करना, इस रविश को कैसे देखते हैं? देखिए, ग्रेस मार्क्स हमेशा देने चाहिए उनको जिस बारे में हमें कोई इल्म नहीं होता। हम सारे जो है ना शहादत के पाबंद हैं, या शहादत हो, कोई ऐसे क्राइम मौजूद हो जिसको बुनियाद बना के हम कह सकें कि ए या बी या सी जो है इसमें इन्वॉल्व है, अगर नहीं है तो फिर जो है ना वो आप उसको जो है वो एक कंसेशन दे दें, आप उसको शक का फायदा दे दें। मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट लेवल पे जो है ना वो कोई इतना बेवकूफ़ नहीं होगा कि इस तरह की हरकत करे। किसने किया है, जानबूझ के किया है, ख़राब करने के लिए किया, ख़राब करने के लिए तो ये मुमकिन हो सकता है किसी को ख़राब करने के लिए, मगर नहीं हो सकता इस तरह, क्योंकि जब पहले इमरान खान साहब के जो घर पर भी हुआ था तो भी हमने जो है वो जो इनसाइड मीटिंग्स थी, जो मतलब बड़ी क्लोज किस्म की मीटिंग्स थी, उनमें भी हमने कहा था कि ये आपने क्या किया, क्या इसका सारे इस एक्सरसाइज का फ़ायदा बताइए। और ये खामखा जो है ना वो एक चीज़ है, और मैं जानता हूँ इस बात को कि ऐसा मटेरियल है जिसको बुनियाद बना के कोई कार्रवाई हो सकती है, मगर उस मटेरियल को जो है ना आज तक इस्तेमाल नहीं किया गया, और उसकी जगह पे ऐसी चीज़ें जिसके बाद जो है ना, अगर फ़र्ज कर लीजिए कोई गिरफ्तारी हो भी जाए तो दो दिन के बाद बंदा छूट जाए, आप इस तरह की जो चीज़ें कर रहे हैं तो हमें जवाब देना पड़ता है। आप हर दूसरे चौथे दिन मुझे टीवी पे ले रही होती है, बाकी चैनल ले रहे होते हैं, हम जैसे लोगों को इन चीज़ों का जवाब देना पड़ता है, तो फिर हम जो है
हमारे लिए मसाइल पैदा होते हैं। आप ऐसी बातें जो है ना इसको इसके ऊपर जो है ना वो कदम लगाइए, इस बातों को रोक लगाइए इस बात पे। बिल्कुल ठीक है तो सर, इस अच्छा बात कल को वाला वो जो होता या मेरी ना अंडरस्टैंडिंग होता? है उन्होंने कहा था कि वो इन्वॉल्व नहीं है। सर कल वाला इंसिडेंट होता या ना होता, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट, जो मुजाकरात का एक सिलसिला शुरू हुआ था, आपको उसका कोई मुस्तकबिल नजर आ रहा था? क्योंकि अगर आप पिछले 2-3 दिन की गुफ्तगू देखें तो इमरान खान साहब का यह कहना कि अगर कोई सितंबर जुलाई की बात होती है तो मैंने क्लियर हिदायत दे दी है कि आप रोक दें, बात करने की जरूरत ही नहीं है। कोई मिडिल ग्राउंड यानी कि उन्होंने साफ कह दिया कि हम नहीं तलाश करना चाहते, हम उस तरफ नहीं आना चाहते। फिर यह भी कह दिया कि अगर ये कामयाब नहीं होंगे तो हम एहतजाज करेंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कह दिया क्या गारंटी है कि अगर हम यहाँ पे कुछ अग्री करके उठें तो मौलाना जो है वो मान जाएंगे, वो मौलाना तो अभी तक नहीं मान रहे। आपकी जमात के हवाले से उनका एक नुकता नजर यह भी था। तो डू यू थिंक कि ये इंसिडेंट होता या ना होता, मुजाकराती अमल आगे बढ़ने वाला आपको नजर आ रहा था, उसमें से कुछ निकलता हुआ नजर आ रहा था आपको? उसमें ऐसा है कि इमरान खान साहब का जो मैं अब तक मैं एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे बुखारी साहब से माजत के साथ मैं जो उनके माइंडसेट को स्टडी कर पाया हूँ, मुझे नहीं लगता कि वो कोई इस तरह से मुज़ाकरात की हामी या फंसे हुए हैं। पहले उन्होंने बहुत सारी गलतियाँ ऐसी की हैं जिसके बाद जो है ना उनको पार्टी के अंदर या अपने जो भी पार्टी में बाद में लोग शामिल हुए जैसे जिसमें चौधरी साहब भी हैं, उनकी तनकीद का सामना होगा। मगर उनका माइंडसेट ऐसा नहीं है कि वो इन पार्टीज के साथ बैठ जाए, और मुमकिन है कि शायद हम भी जो है ना वो इसलिए बैठने के लिए तैयार ना हो कि एक शख्स ने बाद में बात मानना नहीं है तो ऐसी उधार मांग के शर्मिंदा होने वाली बात है। एक बात ये हो सकती है। दूसरी बात ये है कि हम समझते हैं कि जो है ना वो हमारे अच्छे बुरे नाम रखते रहते हैं, हमारे बारे में अच्छे बुरे इरशादात फरमाते रहते हैं, तो बेहतर ये है कि हम उनके साथ ना बैठें। मगर स्टिल अगर वो बैठ गए हैं और बैठ गए थे तो मुमकिन तौर पर ये इसका कोई रास्ता शायद निकल आता। उनको पहले से इसके लिए जो है ना वो कहना कि जी ये नहीं होगा, ऐसा करना है तो ऐसे से ऐसा नहीं होगा, सितंबर में अगर वो कहते हैं या अक्टूबर में कहते हैं या अब मई के लिए नहीं मानते हैं तो अपना जो ना ये पार्लर्स जो हो रहे हैं इसको ख़त्म कर दीजिए। मेरा ये जो है ना पॉलिटिशियन ऐसे नहीं करता। पॉलिटिशियन जब आ गए मुज़ाकरात की मेज़ के ऊपर और आपने एक कमेटी नामजद कर दी है, आपकी सेकेंड टेयर है, और उस वो उनको बात करने दीजिए, बावजूद ये कि मौलाना साहब की रिजर्वेशंस हैं, हमारी पार्टी की रिजर्वेशंस हैं। मुमकिन है कल हम उसमें कहें कि हमारे इत्तेहादियों ने एक बात तय कर ली है तो हम मान जाएं, मुमकिन है हम ना माने, मगर स्टिल जो है ना वो इमरान खान साहब ने जब एक कमिटमेंट कर लिया तो उसको उसके मंतकी अंजाम तक पहुँचने दें ताकि लोग एक्सपोज हों, दोनों तरफ से जो भी है वो एक्सपोज हो, पता चले कि कौन इन चीजों को जो है नाकाम बना रहा है या कौन जो है ना वो इस काबिल ही नहीं है कि वो मुजाकरा शुरू करता है और उसके बाद जो है वो खत्म कर दे। यावर बुखारी साहब दोबारा हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें भी गुफ्तगू में शामिल करेंगे। एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात करना चाह रहे थे यावर बुखारी साहब से, हमारा रابطہ बार-बार मुनक़िता हो रहा था। सर आप मौजूद हैं हमारे साथ, अपनी बात मुकम्मल कर लीजिएगा, लेकिन सिंस आपसे रابطہ मुनक़िता हो गया था तो मैंने दोबारा कामरान साहब की राय ली उसी नुक्ते के ऊपर जो आप रेज कर रहे थे। तो उनकी भी सर यही राय है कि ये कयास रही हूँ कि बुनियाद पर कि किसी का किसी से कोई ज़ाती ताल्लुक है वो इन्वॉल्व होगा। ये अभी जब मैं आपसे बनी हूँ, एक ताज़ा खबर भी सामने आई है कि इसहाक डार साहब ने कॉल करके शाह महमूद कुरैशी साहब को कंडेम किया है इस इंसिडेंट को, और कहा है कि वफाकी हुकूमत का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि अगर इस तरह का रापता हो रहा है तो आप लोगों को भी उसी तरह रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए सर? नहीं, बहुत अच्छी बात है अगर इसहाक डार साहब ने ये बात की है, क्योंकि देखें मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ कि अगर इन लोगों की आप इनकी तारीख में इनके पास में जाए ना तो ये एक हरकत करता है, दूसरा कंडेम करता है, तीसरा के माफी मांगता है। ये इनके एक पुराना शेवा है। तो अभी हम लोग इनके अल्फाज पे कितनी जाएंगे, इनके हकीकत पे जाएंगे। जो कुछ आज तक हुआ है ये फेडरल गवर्नमेंट की इमा पे हुआ है, और ये मोहसिन नकवी को इतना बड़ा तुरम खान नहीं है कि इंटरिम चीफ मिनिस्टर बन जाए और किस्म की हरकतें करें। इसके पीछे एक साजिश है, और साजिश मैं जो समझ रहा हूं और हम लोग जो समझ रहे हैं, ये लोग चाह रहे हैं कि इमरान खान साहब किसी सूरत में इलेक्शन ना लड़ें, इमरान खान साहब वापस ना आए। आई हैव टेकन योर पॉइंट, लेकिन मुझे इन ऑल ऑनेस्टली एक सवाल का जवाब दे दें कि कल रात वाला जो इंसिडेंट है अगर ये ना होता तो क्या तब भी आप लोग सिंसेयरली पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो है वो डायलॉग को मुजाकरात को आगे लेके जाने वाली थी? क्योंकि कल जो खान साहब की स्टेटमेंट थी, उन्होंने कहा जी मैंने कहा सितंबर जुलाई की कोई बात है तो बिल्कुल बात करने की जरूरत नहीं है, हम सड़कों पर निकलेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। तो लग तो ऐसा ही रहा था कि आप लोगों ने वो एहतमाम हुज्जत के लिए खाली मुजाकरात के लिए आमादगी का इजहार किया, वरना प्लान तो आपका फिर भी वही है कि सड़कों पर निकलना है। आपने खान साहब की बात तो एकदम कर दी। खान साहब ने क्यों ये बात की? आपने कभी ये पूछा कि यहाँ पे बैठने से पहले ये बातें तय हुई थी कि एज सून एज पॉसिबल? ये फिर हुकूमत जब अपने गोल पोस्ट चेंज करेगी
तो हम लोगों ने तो यही बोलना है कि जो बात के ऊपर एग्री हुआ है, हम लोग जिस बात के ऊपर एग्री कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है, उसके करीब तरीन कोई तारीख आए। नहीं तो सर, जो अभी वैसे जो मैंने आज खबर देखी है, नहीं ये आप ही के रुकते पे, सर जो मैंने आज खबर देखी है उसमें हुकूमत की तरफ से मेरा ख्याल है कुछ इसी तरह की बात सामने रखी गई थी कि ये बजट पेश हो जाए उसके फौरन बात कर देंगे। तो मुज़ाकरात का मतलब यही है ना कि एक दूसरे की राय सुननी है। देखिए सुन नहीं पाता, अभी आप मेरी बात सुन लें फिर मैं आपकी, आप जो सवाल होगा मैं उस पर जवाब दूंगा। जी जी प्लीज। देखिए ये हुकूमत नहीं चाहती है कि इलेक्शन किसी तरीके से भी नवंबर से पहले पहले हो। वो अक्टूबर वाली बात तो रही नहीं, अभी तो ये नवंबर वाली बातें ये लोग कर रहे हैं ऑलरेडी, और ये लोग इसको एक्सटेंशन की तरफ लेके जा रहे हैं। मैं आपको जो बात कहने की कोशिश करूँ, खान साहब ने जो बात की वो सुप्रीम कोर्ट का एक आइन के छतरी के नीचे रहते हुए एक फैसला है। आप या तो आइन माने या तो फिर आप फेडरल हुकूमत की जो बात है मनोवन मान ले, जो आइन तोड़ ली। तो अगर हम लोग एज पाकिस्तान के सिटीजन हम उनको आइन तोड़ने दें तो बात ही खत्म हो जाती है। फिर तो जंगल का राज है, फिर तो हर किसी की अपनी वो कहते हैं कि एक कबीला बन जाए और जिस तरीके से जिसका जोर लगता है वो लगा ले। आइन वो मुकद्दस कागज है, उसके ऊपर मनोवन मानना जरूरी है। अगर सुप्रीम कोर्ट कहते हैं तो आप कम से कम उस चीज को माने, तो आप वो भी नहीं मानते, आप क्या कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का रास्ता बंद करें। अभी क्योंकि सोशल मीडिया इतनी एक्टिव है कि वो सज्जाद हुसैन शाह वाला केस ही लोग दोहरा नहीं सकते। आप ये कह रहे हैं कि अगर हम किसी को आईन तोड़ने से रोक रहे हैं तो क्या हम गले में, हमारे साथ अजहर जावेद साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मौजूद हैं प्रोग्राम में, बहुत शुक्रिया अजहर साहब आपका आपके वक्त के लिए। आपने सर बुखारी साहब की गुफ्तगू भी सुनी होगी, इसी को इसको भी सामने रखते हुए और थोड़ा सा ये जो मुजाकराती अमल है इसका मुस्तकबिल आपके नजदीक आप क्या देख रहे थे, इस पर जरूर अपनी राय दीजिएगा। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल रात को जो कुछ परवेज इलाही साहब के घर के बाहर हुआ उसके साथ सारे मामले को एसोसिएट कर रही है और अभी तक यही इंडिकेट किया जा रहा है कि शायद उसकी वजह से अब हम इस अमल को जारी ना रख सके। बल्कि खान साहब ने तो ये कहा कि वो बहुत बड़ा कोई प्लान है जो वो आज देंगे कल जो कुछ हुआ है उसके बाद। बहुत शुक्रिया आपका। सुर्खियां लिया कि बहुत बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट है दोनों पार्टीज के दरमियान। अगर आप देखें कि गुज़िश्ता जो चंद साल है उसके दौरान इमरान खान साहब जो फरमाते रहे, जो कहते रहे इन्हीं अपोजिशन पार्टीज के हवाले से, वो चीजें मेरे ख्याल अब आड़े आ रही हैं। इस तरफ भी जो मामलात हैं वो कोई इतने सीधे नहीं है। अगर मुजाकरात हो रहे हैं तो पीडीएम और जो इत्तेहादी जमातें हैं उनकी में कुछ जमातें ऐसी हैं जो, और कुछ रहनुमा ऐसे हैं जो इन मुजाकरात के खिलाफ है, लेकिन इसके बावजूद जो हकूमती जो शख्सियात हैं, वजीर आजम साहब हैं, इसहाक डार साहब हैं, इन्होंने जो अगर इस अमल को आगे लेके जा रहे हैं तो वो एक पॉजिटिव चीज चाहते हैं। लेकिन मुजाकरात का जो कह सकते हैं नतीजा वो कोई इतना हौसला अफजा नजर नहीं आ रहा, क्योंकि दोनों तरफ अतराफ अपनी मनमानी पे मुआमलात को चाहते हैं। नहीं इस वक्त तो खैर इस पॉइंट पर तो सवाल ये है कि मुजाकरात हो भी रहे हैं मजीद आगे के नहीं हो रहे, नतीजा तो बात की अब बहस रह गई। क्या आपको लगता है कि विल दे इवन कम बैक टू द टेबल? देखिये मेरा ख्याल है बिल्कुल आ सकते हैं, क्योंकि जो चीजें पहले दो सेशन हुए हैं वो काफी पॉजिटिव रहे थे, और अगर आज इसहाक डार साहब ने मुज़ाकरा कॉल की है शाह महमूद कुरैशी साहब को तो इट मींस के हुकूमत जो है वो इन मामलों को आगे लेके चलना चाहती है। लेकिन फिर भी इसके बावजूद क्योंकि दोनों जमातें एक चाहती है सितंबर से पहले हो और एक जमात जो पार्टी चाह रही है वो अक्टूबर नवंबर में हो, तो यहाँ पर जो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब वो भी वापस आ चुके हैं उमरा के बाद, यहाँ पे उनकी गुज़िश्ता दो रोज में अहम मुलाकातें और वो मुसलसल वज़ीर आज़म से भी रابطے में क्लैश की तरफ नजर आ रहे हैं। मामलात इस वजह से भी नजर आ रहे हैं कि यहां से मुस्लिम लीग नून जो समझती है कि जो इमरान खान साहब के गुज़िश्ता चार या पांच साल का जो बिहेवियर है, जो उनकी बातें कही हुई हैं, वो उनको वो नहीं ले पाते, और दूसरी तरफ इमरान खान साहब भी समझते हैं कि ये काबिले नहीं है। तो अगर ये मुजाकरात आगे नहीं बढ़ते तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में एक और बड़ी कशीदगी सामने आएगी, और हुकूमत ने भी अपनी तैयारी जाहिर बात है इस हवाले से कदर की है। जो अदलिया के मामले पे जो भादराई है वो मजीद बढ़ रही है, और अभी प्राइम मिनिस्टर जो है वो लंदन आ रहे हैं, जो बरतानिया के लिए है उनकी ताजपोशी की रस्म है, उनकी मुलाकात होगी जी, और उनके वजीर साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ से भी मुलाकात होगी। इसके अलावा कुछ और रहनुमा के भी आने की यहाँ पे तो अगले तीन चार दिन के दौरान यहाँ मुस्लिम लीग नून का जो लाए अमल है वो भी आपको सामने नजर आएगा। लेकिन मामला को इतने सादे नहीं है, सीधे नहीं है, और जो एक टेबल पे बिठाने की ख्वाहिश थी वो शायद आप उनके लिए भी मुश्किलात नजर आ रही हैं।
क्योंकि इलेक्शन की डेट जो है वो मैं ये आपको पहले बताऊंगा, सितंबर से पहले इमरान खान चाहते हैं और अक्टूबर के बाद ये पीडीएम और इत्तेहादी जमातें चाहती हैं। तो जाहिर है बेसिक तनाजा तो यही है, लेकिन मामला यही तो मैं भी उठाने की कोशिश कर रही हूँ कि किसी तनाजे के हल के लिए अगर मुजाकरात होते हैं तो उस तनाजे के जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं और दोनों फरीकैन की जो राय है उसको सुनना तो पड़ता है ना। जाहिर इख्तलाफ है तभी मुजाकरात हो रहे हैं, बट ऐसा लगता है कि वो छोटे छोटे इख्तलाफ को बुनियाद बनाकर बार बार ये कह दिया जाता है कि खत्म कर दें, हम एहतजाज करें। कामरान मुर्तजा साहब, खान साहब बहुत सारी चीज़ों पर अक्सर जो है वो चार्जशीट करते हैं, जो इस वक्त हुकूमती जमातें उनको भी इदारों को भी। नया चार्जशीट जो कल था वो ये था कि ये जो कुछ हुआ है, एक तो उन्होंने कहा कि ये फासिज्म है, दूसरा उन्होंने कहा कि ये चाहते हैं कि डिसमेंटल हो जाए डेमोक्रेसी इस मुल्क के अंदर। ये तो बात अभी बुखारी साहब ने भी की है हमारे प्रोग्राम में कि ये चाहते हैं कि बेशक मार्शल लॉ लग जाए, और साथ ही साथ वो किसी लंदन प्लान का भी कल जिक्र कर रहे हैं। वो कहते हैं कि ये लंदन प्लान के तहत सारा कुछ हो रहा है, मुझे मेरी जमात को क्रश करने की कोशिश है और कुछ भी नहीं है। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि हम बिल्कुल मार्शल लॉ नहीं चाहते, और खुदा ना खास्ता कभी ऐसा हुआ तो शायद हम इनसे आगे निकल के और उस मार्शल लॉ को अपोज करेंगे और उसको उसका मुकाबला करेंगे, खुदा ना खास्ता अगर इस मुल्क में अगर ऐसा हुआ तो ये बात जहन से निकाल दें कि कोई भी मार्शल लॉ इस मुल्क में चाहता है। वैसे आर्मी चीफ भी कह चुके हैं कि ताकत का महवर जो है वो अवाम है, और ये मेरा ख्याल है कि पहली दफ़ा जो है ना ये मैसेज आर्मी की तरफ से शायद आया है, इससे पहले जो है ना वो ये कभी भी कम अज़ कम मैंने अपने जो है ना जब से मैंने होश संभाला मैंने ये किसी आर्मी चीफ के मुंह से नहीं सुना था कि ताकत का महवर अवाम है। तो दोनों तरफ से जो मैं आपको, एक तो उनका उसके ऊपर बिलीव करना चाहिए अनलेस के कोई इसके कंट्रेरी कोई बात आ जाए, और हमारी बात पे भी बिलीव करना चाहिए अनलेस कि इनके पास कोई ऐसा सबूत हो। हमने जो बाकी ज़िंदगी गुजारी है उसमें भी जो है ना वो हमारी जदोजहद जो है वो फौजी हुक्मरानों के खिलाफ रही है। इवन मुशर्रफ के दौर में मुशर्रफ के अगेंस्ट जो थे अपना जो कैंडिडेट थे वो जियाउद्दीन साहब, उनको मैंने प्रपोज किया था और एज ए JUI के वो सेनेटर के तौर पे प्रपोज किया था। तो ये हमारा माजी का भी कॉन्डक्ट रहा है। उस ज़माने में शायद उनको कोई प्रपोज करने वाला भी जो है ना वकीलों में से कम अज़ कम नहीं था, मैं वाहिद वकील था। तो हम पे शक न करें बल्कि मामलात को आगे बढ़ने दें। ये महीना डेढ़ महीना इलेक्शन के आगे पीछे होने से मैं फिर कहता हूँ, जिसको कहते हैं कि मैं दस्तूर की खिलाफवर्जी की बात करता हूँ, हालांकि ऐसा नहीं है, मगर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा प्रैक्टिकली। असल चीज़ फेयर और फ्री इलेक्शन है, और उसके बाद एक और चीज़ इससे जो जुड़ी हुई है कि उस इलेक्शन के नतायज के ऊपर सबका एतमाद हो, ताकि हम अगले 5 साल जो है वो आराम से गुजार लें और ये मुल्क जो है ना इसकी कम से कम डायरेक्शन ठीक हो जाए, तरक्की की तरफ चल पड़े। वरना जो है ना फिर इसके बाद जो है मुझे अगर इसी तरह के मामलात रहेंगे और उसके बाद किसी इधर पार्टी ने या पार्टीज ने इसमें फिर एजिटेशन करना है तो उसका नतीजा जो है मुल्क के लिए कौम के लिए बहुत ख़राब होगा। हम पहले ही बहुत पीछे रह गए हैं, हमारे हमसाए में इंडिया है, पाँचवीं बड़ी मईशत बन गई है और वो चंद सालों में अगले तीसरी बड़ी मईशत बन जाएगा। वो कहाँ जा रहे हैं? आसपास हमारे हमसाए में चीन है, वो उसको देख लीजिए। हमारे हमसाए में ईरान है, ईरान को अगर आप देखेंगे उसके ऊपर जो ना कितनी सेंक्शन है, इसके बावजूद वो सरवाइव कर रहा है। तो अपने आसपास देख के, इवन अफगानिस्तान जिसके जहाँ तक जो है ना कल उसको जो है ना ईंट से ईंट बजा दी थी अमेरिकन ने दूसरों ने, और उसके बाद जो है ना वो वहाँ पे पेट्रोल जो है वो 70 रुपये 80 रुपये जो है ना मिल रहा है। उनके जहाँ देखें ना कोई चोरी है ना कोई डकैती है, मामलात उनके ठीक चल रहे हैं। तो मतलब हमको भी जो है ना इस मुल्क में रहने वालों को भी ये हक हासिल है कि वो भी जो है ना वो कोई बेहतर ज़िंदगी गुजार सके, और उसके लिए जो है ना हम पॉलिटिकल पार्टीज़ को कुछ ना कुछ होश के नाखून लेने बिल्कुल लेने चाहिए और लेने पड़ेंगे। ये जो बात अभी आपने की कि आपने अपने होश में कभी नहीं सुना किसी आर्मी चीफ को ये कहते हुए, बुखारी साहब आर्मी चीफ जो अभी आर्मी चीफ हैं वो 2-3 मरतबा एक तो ये बात कह चुके हैं कि जो ताकत का महवर होता है वो अवाम है, और फिर उसके बाद DGISPR की जो अभी रिसेंट टॉक है उसको सुन लीजिए, आर्मी चीफ के जो कुछ स्टेटमेंट्स हैं उनको सामने रख लीजिए, मुसलसल वो ये कह रहे हैं कि हमें मत ड्रैग करें इस सारी चीज़ के अंदर। बल्कि DGISPR ने तो कहा कि सियासतदानों की और सियासी जमातों की जिम्मेदारी है कि इदारे अगर किसी वजह से मलाइन हो रहे हैं कहीं पर तो उसको रोकने की कोशिश की जाए। आज भी आर्मी चीफ ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि अवाम में और फौज के दरमियान खलीज पैदा करने की कोशिश की जा रही है, तो थोड़ा सा और ये नहीं होना चाहिए ऑफकोर्स। तो मैं थोड़ा सा ये पूछना चाहती हूँ आपसे कि सियासतदान आपस में करें सियासत, इदारों को सर अभी कल भी जनरल बाजवा के बारे में जो कुछ गुफ्तगू की है इमरान खान साहब ने, ये वही बाजवा साहब हैं बुखारी साहब जिसके बारे में खान साहब कहते थे कि वो PTI के मैनिफेस्टो के साथ खड़े हैं।
जहां तक बात है कि हमारे इदारों के न्यूट्रल हैं, न्यूट्रल बिल्कुल नहीं। आप लोगों को अंदाजा नहीं हो रहा है, आप लोग तो हुकूमत के एक चैनल पे बैठ के आप लोगों को एक बातें करनी पड़ती है, लेकिन हमें तो नहीं सर। ये देखिए फिर मैं मेरी आपसे हमेशा बुखारी साहब, मैं आपकी हमेशा बात सुनती हूँ, मेरी आपसे हमेशा इसी बात पे इख्तलाफ हो जाता है। लाइव प्रोग्राम में मैं आपकी राय शामिल कर रही हूँ, आपने कितनी सख्त गुफ्तगू की, मैंने आज तो आपको रोका भी नहीं, फिर आप कहते हैं हुकूमत का चैनल। सर ये रियासती इदारा है, हुकूमत का इदारा नहीं है। आपने आर्मी चीफ की पीएमए की बात की, आपने सर तो आर्मी चीफ की स्टेटमेंट है, मैंने उसमें कोई इजाफा किया है तो आप मुझे जरूर पकड़ लीजिए। अभी उस स्टेटमेंट के ऊपर आप लोगों ने एक बात को तो दिखा दिया, अभी आप दिखाएं कि हमारे लोकल मौजूदा आर्मी चीफ की सरबराही में फौज ने अभी तक क्या ऐसा काम किया है जिसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि फौज न्यूट्रल नहीं है। सर इस रियासती इदारे को माफ कर दीजिए अब आप लोग भी। अब बेशक अब आप मुझे कहें मैं हुकूमत के चैनल पर बैठी हुई हूँ, लेकिन जब आप ऐसी बात करेंगे तो मुझे भी करनी पड़ेगी। मुझे एक मिसाल दे दीजिए कि मौजूदा फौज ने नए चीफ की सरबराही में क्या किया है। आप मैं खोलना शुरू करूंगा तो बहुत आगे तक बात चली नहीं सर, आप आगे तक बात मत लेके जाइए। आप माजी के आर्मी चीफ के बारे में भी उन्होंने आपके फेवर में क्या क्या किया, उसकी फेहरिस्त इस कदर लंबी है जो आपके चीफ ने खुद बताई है आके लोगों को। आप चाह रही है कि मैं कोई मिसाल दूं ना, आप मिसाल चाह रही है, मैं क्या चाह रही हूँ? नहीं, मैं कुछ नहीं चाह रही सर, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आपको नहीं लगता कि सियासत से रियासती इदारों को दूर रखना चाहिए, मत की और क्रिएट करें इस मुल्क में मजीद आप लोग। ये बात देखें, हम लोग जितना आप चाहें, मैं चाहूँ, कामरान मुर्तजा साहब चाहें, बाकी लोग चाहें, ऐसे मुमकिन नहीं है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपकी आर्म फोर्सेज है, आपकी आर्म फोर्सेज आपकी 1947 से लेकर आज तक पॉलिटिक्स में एक्टिवली इन्वॉल्व है। अगर नहीं है तो कोई ना कर दे मुझे सर। माजी में तो सर माजी में कोई गलतियां आपने भी की होंगी एज एन इंडिविजुअल, मैंने भी की होंगी, अगर उनसे तौबा कर ली जाए तो क्या उसको वापस ला के आपके वो वापस लेके आना सामने क्या वो मुनासिब बात है? 10 दफा तो वो कह चुके हैं कि हम अपने आप को दूर करना चाहते हैं। हमारी एजेंसी न्यूट्रल नहीं है, इनको न्यूट्रल होते हुए नजर आना पड़ेगा, और जब तक फौज पाकिस्तान पॉजिटिव रोल प्ले नहीं करेगी ये चीज बढ़ती जाएगी और ये खतरनाक है। ये चीजें नहीं है, ये आप लोग अंडरस्टैंड करें सर, मैं तो यही गुजारिश कर रही हूँ कि ये खतरनाक है, ये आप लोग अंडरस्टैंड करें। न्यूट्रलिटी का पैमाना क्या है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट में आ जाए? नहीं, ये आर्मी चीफ जो इन कमांड है जिनके पास डंडी है ये उनको समझ और उनने करना है, क्या करना है? खान साहब तो 10 दफा आकर रिकॉर्ड पर कह चुके हैं कि आए आके शफाफ इलेक्शन कराएंगे, फौज का काम है सर, वो आएंगे और आकर आपको यकीन दहानी कराएंगे कि आपकी मर्जी का शफाफ इलेक्शन होगा, तब आप मानेंगे। चले मैं जरा, मेरे पास वक्त बहुत कम है, मैं अजहर साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूं। अजहर जावेद साहब, आपने गुफ्तगू सुनी है सर यावर बुखारी साहब की, न्यूट्रलिटी का पैमाना सर क्या है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फेवर में आ जाए, दोबारा से सुपर किंग बन जाए, बकौल खान साहब के पहले कोई सुपर किंग होता था जो हुकूमत चलाता था वो वाला स्टेटस ले ले, पीटीआई के मंशूर से इत्तेफाक कर ले, बकौल खान साहब के बाजवा साहब करते थे, ये सारी खान साहब की कई भी बातें मैं नहीं कह रही, तो क्या ये अभी जो अभी सेटअप है वो भी यही कुछ करेगा तो न्यूट्रल कहलाएगा सर? जशवीन, इनको न्यूट्रल वो लगता है जब 2011 में मुबैना तौर पर एक फौजी पे इल्जाम लगता है कि वो लाहौर का जलसा करवाता है तब वो उनकी सपोर्ट ठीक थी। 2014 में यहाँ लंदन प्लान बनता है, एक आदर सर्वस आता है, इमरान खान यहाँ पे आते हैं, तारुल कादरी यहाँ आते हैं, परवेज अलाई यहाँ आते हैं, लंदन प्लान बनता है और इसमें जो सपोर्ट उनको मिलती है मुबैना तौर पर एक हिस्से से कि हमने धरना देना है, इनको वो चीज सूट करती है। उसके बाद आप देखें 2018 को इलेक्शन को कैसे मैनेज किया गया, ये उनको ये सूट करता है जब साकिब निसार की सरबराई में चंद लोगों के कहने पे नवाशिफ को नहल किया गया, पनामा के नाम पे इकामा पे उनको नहल किया गया, उनकी बेटी को रोज के रोज अदालत लगा के खिलाफ आइन खिलाफ कानून उनको सजा दिलवाई गई, इनको वो चीज सूट करती है, इनको वो चीज सूट करती है कि जनरल बाजवा इनके पास साथ जाते थे, सऊदीया से पैसे लेके आते थे, जनरल बाजवा जब इनके साथ बैठ के इनको तमाम मामलात पर सपोर्ट करते थे और जब ये खुद कहते थे कि आर्मी चीफ हमारा बाप होता है और ये नहीं के वो जरा कहते थे उस वक्त, तो ये इमरान खान साहब कहते थे कि जनरल बाजवा बहुत अच्छे आदमी हैं, इनसे बड़ा जमहूरियत पसंद कोई नहीं है, उस वक्त तो ये कहते थे कि जनरल बाजवा की वजह से हमारी हुकूमत ये सरवाइव कर रही है, इनको वो अच्छा लगता था, इनको वो अच्छा लगता था कि जो जनरल बाजवा था इनके लिए नंबर पूरे करके देता था मुबैना तौर पर, जनरल फैज पे हम लगता था कि सेनेट के इलेक्शन जब हुआ चेयरमैन सेनेट का उस वक्त अक्सरियत में अपोजिशन थी लेकिन ये लोग जीत गए, इनको तब ये अच्छा लगता था जब इनको नंबर पूरे करने के लिए कौमी असेंबली में एमक्यूएम ने कहा कि हमें तो जबरदस्ती लाया गया और इनको वो अच्छा लगता था, वो वाली फौज इनको अच्छी लगती थी। खुदा के लिए पाकिस्तानी इदारा है, पाकिस्तानी फौज है, इस पे ये इल्जाम ना करें। और जो घिनौनी साजिश इस वक्त आलमी सतह पर पाक फौज के खिलाफ की जा रही है
जिस तरह ये एक सियासी जमात और उसके कारकुनान यहाँ बरतानिया में, अमेरिका में पाकिस्तानी फौज के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं, मासूम पाकिस्तानियों के जहनों में पाकिस्तान फौज के खिलाफ जो जहर फैलाया जा रहा है, इनको वो फौज अच्छी लगती है जो इनके साथ खड़ी हो जाए, तब इनको ये न्यूट्रल लगती है। खुदा के लिए पाकिस्तान की तहफ्फुज़ की जमानत है ये फौज। इनके चो चंद लोगों से तो आपको इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन बहसियत इदारा आपको इनके खिलाफ ये मजमून प्रोपेगंडा, इनके खिलाफ ये मुहिम खत्म करना होगी, वगरना पाकिस्तान को जो ये नुकसान है अंदरूनी तौर पर ज्यादा पहुंच रहा है। बैरूनी तौर पर जो आज भारत है उसके लोग कहते हैं कि हमें तो जरूरत ही नहीं है, हम बिल्कुल ठीक है, हमें तो इमरान खान ने जितना नुकसान फौज को पहुंचा दिया वो उससे वो तो हम कर ही नहीं सकते। तो इनको पाक फौज वो तब अच्छी लगती है जब उनके लिए उनके चंद अफराद जाती तौर पर वैसे तो इदारा नहीं इनके लिए काम करें। क्या नहीं था पता कि पाकिस्तान जो असेंबली है कौमी असेंबली और सेनेट उसको एक रिटायर्ड कर्नल चला रहा था, इस वक्त तो उनके लिए बहुत अच्छा था। जनरल फैज ने जो इनके लिए किया अब वो फेवरेबल सेटअप शायद उसकी कोई तलाश है, वक्त हो गया, वरना मैं इस इशू पर मजीद जरूर बात करती क्योंकि ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। पाकिस्तान की तारीख के फौज का जो एक किरदार है उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, कोई झुटला नहीं सकता, लेकिन अगर कोई इदारा बार बार आगे आकर ये कह रहा है कि हम इसको डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं, हम ये नहीं करना चाहते, तो आप उनको घसीट घसीट के बीच में लाने की हर तरह से कोशिश करते हैं। उनकी एक तो कैरेक्टर असैसिनेशन तो जो कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं, साथ साथ कहीं पर कहते हैं कि आ जाइए आके शफाफ इंतखाबात कराइए। सो बेसिकली जो मैंने पहले कहा कि शायद न्यूट्रलिटी का पैमाना इस सियासी जमात के लिए ये बन गया है कि हमें सपोर्ट करें तो फिर आप न्यूट्रल हैं। वक्त होता तो मैं मजीद इस पर जरूर बात करती हूँ, मैं दोबारा बुखारी साहब से भी इस पर राय लेती, बट आई डोंट हैव इनफ टाइम। बहुत शुक्रिया आपका अजहर जावेद साहब, सेंटर कामरान मुर्तजा साहब से बहुत शुक्रिया आपका, सैयद यावर अब्बास बुखारी साहब से बहुत शुक्रगुजार है आपके भी, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया व्यूअर्स नुक्ता इतराज़ से। आज के लिए बस यही कुछ, इशफीन जमाल को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।